Hello students, welcome to the Gyan Ganga Academy's interactive classes. This is a textbook of looking around. It is a new subject, is called environment or EVS. Right students, this subject is all about the things which is around ourselves. It is all about the environment, the climate. It is a combination of GK and science. And our today's topic of this new subject is Chapter 1, Poonam's Day Out. In this chapter, we are going to study about the different type of animals found around us, different type of insects, how they move, where they live. We will study in this chapter. Right, students? Let's start with Poonam's Day Out. यह आपकी EVS की पाठ्य पुस्तक Looking Around है. यह subject आपके लिए एक नया subject जो इस class में शुरू हो रहा है. यह subject है विज्ञान और पर्यावरण का मिश्रण. यानी कि जब विज्ञान और जीके को हम मिला दें तो एनवायरमेंटल स्टडीज आती है. इस सब्जेक्ट में हम अपने आसपास के चीज़ों के बारे में, अपने आसपास के वातावरण के बारे में, पर्यावरण के बारे में और जानवरों के बारे में, पक्षियों के बारे में, इन सब के बारे में जानेंगे जो कि हमारे आस पड़ोस में हमारे को देखने को मिलते हैं. पेड़ पौधे, सब कुछ, जो भी चीज़ें हमारे को दिखाई देती हैं वो हम इस सब्जेक्ट में पढ़ेंगे. राइट, तो चलिए शुरुआत करते हैं आपके पहले चैप्टर से जिसका नाम है पूनम की एक दिन की छुट्टी. ठीक है, लेट्स स्टार्ट. माँ प्लीज लेट मी गो टू स्कूल टुडे. आई हैव बीन एट होम फॉर द पास्ट टू डेज. आई एम गेटिंग बोर्ड, सेड पूनम. बट यू स्टिल हैव फीवर, गो आउटसाइड एंड लाई डाउन ऑन द कॉट, रिप्लाइड माँ. वो कहती है कि माँ प्लीज लेट मी गो टू स्कूल टुडे. पूनम कह रही है कि मुझे आज स्कूल जाने दो. लेट मी गो टू स्कूल टुडे, मुझे आज स्कूल जाने दो. आई हैव बीन एट होम, मैं घर पर हूँ. फॉर द पास्ट टू डेज, मैं पिछले दो दिनों से, पास्ट मतलब पीछे, टू डेज पिछले दो दिनों से मैं घर पर ही हूँ, मुझे आज स्कूल जाने दो. आई एम गेटिंग बोर, पूनम ने कहा कि मैं बोर हो गई हूँ. But you still have fever, मगर तुम्हें तो अभी भी बुखार है. Fever means बुखार, still मतलब अभी भी. Go outside, बाहर जाओ. And lie down on the cot, और खाट पर लेट जाओ. Cot माने खाट पर लेट जाओ. Replied ma, माँ ने उत्तर दिया. Poonam fell asleep on the cot. Suddenly something fell on her face. Poonam woke up at once and touched her cheeks. Oh no, whose mischief is this? Is it the crows or the pigeons? It seems it's the crows. अब पूनम जो है चारपाई पर जाकर सो जाती है. Fell asleep, fell मतलब गिरना होता है वैसे तो, asleep मतलब सो गई, वह गहरी नींद में सो गई. अचानक से कुछ something fell on her face, उसके चेहरे पर कुछ गिरता है. पूनम उठ जाती है एकदम से, एट वंस मतलब एकदम से. एंड टच्ड हर चीक, और वो अपने गालों को छूती है, टच करके देखती है. ओह नो, ओह नो, हुज मिसचेफ इज दिस. मिसचेफ मीन्स शैतानी या बदमाशी. हुज मतलब किसकी, किसकी बदमाशी है ये. जो अपने गाल पे लगा के हाथ देखती है तो उसे कुछ दिखता है. क्या हुआ है, कुछ गड़बड़ हो गई है. वो कौवे ने या कबूतर ने कुछ गड़बड़ की है. इट सीम्स इट्स द क्रोज, और उसे ऐसा लगता है कि जैसे कबूतर ने नहीं बल्कि कौवे ने वो गड़बड़ की है. वो गड़बड़ क्या है कि शायद कौवे ने उसके ऊपर पेड़ से उसके ऊपर पॉटी कर दी है. राइट, तो ये कुछ एनिमल्स हैं जो आप देख पा रहे हैं. ठीक है ना. चिल्ड्रन लर्न अ लॉट फ्रॉम पीपल एंड थिंग्स इन देयर एनवायरमेंट. दो दिस लेसन चिल्ड्रन शुड be given an opportunity to observe nature, not just sit in the class and read their lesson.
वो कहता है कि बच्चे जो है अपने आसपास के अपने वातावरण से बहुत कुछ सीखते हैं, यहाँ तक कि ये लेसन भी जो है उन्हें एक मौका देगा नेचर्स को, यानी जो बाहर पर प्रकृति है उसको समझने का, राइट। अब क्या होता है आगे कि पूनम लुक्ड अप, सी सॉ मैनी एनिमल्स ऑन द ट्री। अब जो पूनम है वो ऊपर देखती है, उसे बहुत सारे जानवर दिखाई देते हैं पेड़ के ऊपर। विच एनिमल कैन यू स्पॉट ऑन द ट्री इन द पिक्चर, राइट डाउन देयर नेम्स। अब वो कहता है कि कौन से जानवर हैं जो तुम्हें दिखाई दे रहे हैं, स्पॉट मतलब दिखना, तुम निशान लगा सकते हो या तुम देख सकते हो, ऑन द ट्री इन द पिक्चर, पिक्चर में कौन कौन से जानवर आपको दिखाई दे रहे हैं, क्या तुम उन्हें निशान उनको छांट सकते हो, उन्हें देख सकते हो, उनके नाम यहाँ पर आपने लिखने हैं। तो चलिए देखें क्या क्या है, क्या है, पिजन है, स्क्वायरल है, क्रो, मंकी, बटरफ्लाई, बर्ड है, स्पैरो है, फिर एक और बटरफ्लाई है, और ये पैरट है ना, तो इतनी सारी चीजें हमारे को, ये एंट है, और ये भी एंट है, ठीक है ना, ब्लैक फेस मंकी है, तो इन सब के नेम्स हम यहाँ पर लिख देंगे, राइट। अब वो कहता है पूनम पिक्ड अप अ लीफ फ्रॉम द ग्राउंड एंड वेट हर चीक विद इट, बट हर चीक वॉज स्टिल स्टिकी, शी थॉट लेट मी गो एंड वॉश माई फेस इन द नियर बाई पॉट। अब पूनम क्या करती है, उठाती है एक पत्ती ग्राउंड में से, एक नीचे जमीन में से एक पत्ती उठाती है और पोछती है, विप्ड बने पोछना, उसने पोछा अपने गाल को विद इट, उस पत्ती से अपने गाल को पोछती है, मगर उसका जो गाल है वो अभी भी स्टिकी, स्टिकी मतलब चिपचिपा हो रहा है, तो वो सोचती है कि लेट मी गो, उसे जाना चाहिए, अपने मुंह को धोना चाहिए नजदीक के तालाब से, नीचे नजदीक में जो तालाब है वहां जाकर उसे अपना मुंह धोना चाहिए, और वो तालाब में आके अपना मुंह धोने लगती है। अब वो कहता है विच एनिमल्स डिड पूनम सी एट द पॉन्ड, लुक एट द पिक्चर एंड राइट देयर नेम्स। अब वो कहता है कि पूनम को कौन कौन से जो जानवर हैं वो नदी के किनारे दिखाई दे रहे हैं, उस तालाब के किनारे दिखाई दे रहे हैं, उनके नाम आप हम यहाँ पर लिखिए। तो कौन कौन से हैं, वो एक गोट है, टॉर्टोइस है, एक बर्ड है, एक बफेलो है, एक फ्रॉग है ना, एक इधर भी क्रेन है ना, तो इनके नाम आप यहाँ पर लिखेंगे। कैन यू एक्ट लाइक द एनिमल सीन इन द पॉन्ड, विच एनिमल मेक्स वट काइंड ऑफ साउंड एंड मूवमेंट, ट्राई टू मेक सिमिलर साउंड। अब वो कहता है क्या तुम भी एक्ट कर सकते हो, एक्ट मतलब नाटक कर सकते हो, लाइक द एनिमल्स उस जानवरों की तरह, सी एट द पॉन्ड जैसा कि तालाब में दिखाई दे रहे हैं उन जानवरों की तरह, आप भी क्या कोई नाटक या एक्टिंग कर सकते हो। विच एनिमल मेक्स वट काइंड ऑफ साउंड एंड मूवमेंट, अब वो किस तरह का नाटक हो सकता है कि कौन सा जानवर किस तरह की आवाज करता है और किस तरीके से वो चलता है, आप ऐसा कुछ कर सकते हो किसी जानवर की तरह, ट्राई टू मेक सिमिलर साउंड, तुम भी इसी तरह की साउंड निकालने की कोशिश करिए जैसे कि आप इनमें से चित्र में से देख रहे हैं। अब जैसे कि मैं कहूँ ये क्या है, मैं बकरी ऐसे ही करती है, राइट, ये बर्ड है, बफेलो और ये क्या है, फ्रॉग है ना, तो ऐसे अगर आप भी कुछ कर सकते हो तो आप भी करने की कोशिश करिए। अब वो आगे कह रहा है कि डिफरेंट एनिमल्स मूव इन डिफरेंट वे टू गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, कहता अलग अलग जानवर जो हैं वो मूव करते हैं डिफरेंट वे, अलग अलग तरीके से, टू गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए हर जानवर अलग अलग तरीके से मूव करता है। सम एनिमल्स वॉक, कुछ जो जानवर हैं वो चलते हैं, कुछ क्रॉल, सम क्रॉल, कुछ रेंगते हैं, सम फ्लाई, कुछ उड़ते हैं, एंड सम स्विम, और कुछ लोग, कुछ जानवर जो हैं वो तैरते हैं। For this, some animals use their feet, some use their wings, some animals even take the help of their tail. अब वो कहता है कि कुछ लोग तैरकर, कुछ उड़कर, कुछ रेंगकर और कुछ चलकर एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, और इसके लिए कुछ एनिमल्स जो हैं अपने पैरों का इस्तेमाल करते हैं, कुछ अपने पंखों का, और यहाँ तक कि कुछ तो अपने पूंछ का भी इस्तेमाल करते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। अब वो कहता है यू मस्ट हैव सीन, तुमने जरूर देखे होंगे, मैनी एनिमल्स टू, तुमने भी बहुत सारे जानवर देखे होंगे, राइट विच ऑफ देम,
लिखो उनमें से कौन ऐसे हैं जो उड़ सकते थे, जो उड़ने वाले कोई ऐसे हैं, जैसे कि क्या है, अब उनके नाम लिख सकते हैं आप, पैरट, स्पैरो, पिजन, है ना। उसे कैन क्रॉल, कौन सा रेंग कर चलता है, स्नेक, अर्थवर्म, अर्थवर्म किसे बोलते हैं, केचुए को, और क्या है जो चलता है, रेंग कर, लिजार्ड, कैन वॉक, कौन वॉक कर सकता है, चलता कौन है, लॉयन, टाइगर, पैंथर या काव, है ना। उसे कैन हॉप, उछल उछल के कौन चलता है, कैंगरू, फ्रॉग और स्क्वायरल, है ना। उसके बाद हैव विंग्स, किस कौन ऐसे हैं जिनके पंख होते हैं, पैरट, पिजन और स्पैरो। हैव फीट, किसके पैर होते हैं, हॉर्स, गोट और लॉयन। और हैव अ टेल, टेल तो लगभग सभी जानवर की होती है, मंकी, काउ, डॉग, किसी का भी, है ना। तो आप इस तरीके से ये लिख सकते हैं। आगे क्या कह रहा है वो, एनिमल्स लिव इन डिफरेंट प्लेसेस। अब जो जानवर, अभी तो हमने बात करी कि अलग अलग जगह पे वो रहते हैं, अलग अलग जगह पर रहते हैं, जैसे कोई तालाब में रहता है, कोई पानी में रहता है, कोई पेड़ों पे रहता है, अलग अलग जानवर हैं। उसके बाद हमने देखा कि कोई उड़ सकता है, कोई चल सकता है, कोई ये कर सकता है, कोई कुछ कर सकता है। अब हम देखते हैं कि वो अलग अलग जगह पर रहते हैं। सम एनिमल्स लिव इन द ट्री, कुछ पेड़ों पर रहते हैं, सम इन वाटर, कुछ पानी में रहते हैं, सम लिव ऑन लैंड, और कुछ जो है जो लैंड में यानी कि जमीन पर रहते हैं, सम लिव अंडर द ग्राउंड एंड सम फ्लाई इन द स्काई, और कुछ जो है वो अंडर द ग्राउंड यानी जमीन के अंदर रहते हैं और कुछ जो है आसमान में उड़ते हैं, सम एनिमल्स इवन लिव इन आवर हाउसेस, और कुछ जानवर जो है वो हमारे घरों में भी रहते हैं। देखें आपने आपके घरों में कौन कौन से जानवर रहते हैं, नहीं रहते आपके घर में कोई जानवर, चींटियां, छिपकली, मक्खी, मच्छर, ये सब जानवर हैं जो आपके घर में रहते हैं। अब वो कहता है, लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो, कलर द एनिमल्स दैट डू नॉट लिव इन योर हाउस। अब वो कहता है नीचे कुछ पिक्चर्स दी गई हैं, आप उनके नाम, उनको कलर करो जो आपके घर में नहीं रह सकते, डू नॉट लिव इन योर हाउस, जो तुम्हारे घर पर नहीं रहते। कौन कौन है ऐसे जो तुम्हारे घर पर नहीं रहते, ये क्या है, स्वान है, फिश भी शायद आपके घर पर नहीं रहती होगी, एलिफेंट भी नहीं रहता होगा, मुझे लगता है गिरगिट भी नहीं रहता होगा। अब जो जो आपके घर पे नहीं रहते हैं उन सबको आप कलर करेंगे, राइट। जो घर पर, डू नॉट लिव इन योर हाउस, जो तुम्हारे घर पर नहीं रहते, राइट, सिर्फ उन्हें कलर करना है। अब वो कहता है, हेयर आर सम इनकम्प्लीट पिक्चर्स ऑफ एनिमल्स, कंप्लीट देम एंड राइट देयर नेम्स बिलो। वो कहता है यहाँ पर कुछ ना जानवर अधूरे बनाए हुए, उन्हें पूरा बनाइए और उनके नेम्स आपने यहाँ पर लिखने हैं। तो ये डॉगी है, ये फिश और ये कॉकरोच, राइट। अब एक मस्ती भरी चीज आ गई, हु एम आई, मैं कौन हूँ, ये पजल है, क्रॉसवर्ड पजल है, इसमें कुछ दिया हुआ है, आपको ढूंढना है। वो क्या है, फाइंड मैनी नेम्स इन द क्रॉसवर्ड एंड पुट द सर्कल अराउंड इट, वन एग्जाम्पल हैज बीन गिवन। अब वो कहता है क्रॉसवर्ड है, क्रॉसवर्ड में क्या होता है, खूब सारे लेटर्स दिए होते हैं, इनको आपको मिलाकर एक ढूंढना होता है कोई वर्ड। तो वो बता रहा है आपके लिए, जैसे किया है उसने मंकी, है ना। तो वो कहता है बनाना इज व्हाट आई लव ईटिंग, बनाना ऐसा है जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है खाने को, आई स्पेंड माई टाइम जम्पिंग एंड लीपिंग, मैं अपना समय स्पेंड मतलब खर्च करता हूँ कूदने में और लीपिंग मतलब लटकने में। कौन है ऐसा जिसे बनाना पसंद है और लटकता रहता है, कूदता रहता है, वो है मंकी। अब नेक्स्ट कहता है ऑन द वॉल्स, दीवारों के ऊपर, वेब आई वेव, वेव माने बुनना, वेब्स माने जाला, मैं जाला बुनता हूं, वेयर इंसेक्ट्स स्टिक एंड कैन नॉट लीव, जहां पर कीड़े जो है चिपक जाते हैं और वो अपने आप को छुड़ा नहीं पाते। तो वो कौन है, वेरी गुड, स्पाइडर, S P I D E R, spider. Next, I remain awake the whole night and go to sleep in broad daylight. मैं remain माने रहता हूँ, awake माने उठा हुआ, मैं उठा हुआ रहता हूँ, the whole night पूरी रात मैं जागा रहता हूँ, and go to sleep in broad daylight, और मैं दिन की उजाले में सोने के लिए जाता हूँ। वो कौन है, owl, O W L, owl. क्रॉक 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 इज माई साउंड, इन वाटर और ऑन लैंड आई एम फाउंड, मेरी आवाज क्रॉक 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 की है और मैं पानी और जमीन पर पाया जाता हूं। तो कौन है वो, फ्रॉग, एफ आर ओ जी, फ्रॉग।
वो कहता है आई अपियर आफ्टर रेनफॉल हैव नो फीट सो आई क्रॉल. कहता है मैं अपियर मतलब दिखाई देता हूं आफ्टर रेनफॉल बारिश के बाद, मैं बारिश के बाद दिखाई देता हूं. हैव नो फीट मेरे कोई भी पैर नहीं होते सो आई एम क्रॉल. अब मेरे पैर नहीं होते इसलिए मैं रेंगकर चलता हूं. तो बरसात के बाद हमें क्या दिखाई देता है, वेरी गुड. अर्थवॉर्म है वैसे तो और स्नेल है. अर्थवॉर्म और स्नेल अक्सर बरसात के बाद निकलते हैं. तो यहां पर स्नेल हो गया एस एन ए आई एल स्नेल. वो कहते हैं स्लो एंड स्टेडी इज माई पेस आई ऑलवेज विन वेन देयर इज अ रेस. धीरे धीरे और लगातार, स्टेडी मतलब लगातार, स्लो मतलब धीरे धीरे, इज माई पेस मेरी जो रफ्तार है मेरी जो चाल है वह लगातार और धीरे है, मगर मैं हमेशा जब कभी भी रेस होती है तो मैं हमेशा जीतता हूं. वो कौन है, टॉर टॉयस. राइट, तो ये था हमारा क्रॉसवर्ड. 6 अलग अलग लेटर वर्ड्स हमने ढूंढ. नेक्स्ट है मैजिक विद फिंगर्स. टेक अ लुक एट द पिक्चर. कैन यू डिस्टिंग्विश द थंब प्रिंट्स फ्रॉम द अदर फिंगर प्रिंट्स. इन द सेम वे यूजिंग इंक और वाटर कलर मेक पिक्चर्स ऑफ एनिमल्स. मेक पिक्चर्स यूजिंग योर ओन इमेजिनेशन. डू नॉट कॉपी द वंस शोन अबव. यू कैन यूज द पिक्चर्स यू हैव मेड टू डेकोरेट योर स्कूल एंड होम. वो कहता है कि टेक अ लुक एट द पिक्चर. ऊपर एक पिक्चर दी गई है उनको ध्यान से देखो. कैन यू डिस्टिंग्विश, क्या तुम अलग अलग कर सकते हो. डिस्टिंग्विश मतलब छांट सकते हो, अलग अलग कर सकते हो. द थंब प्रिंट फ्रॉम द अदर फिंगर प्रिंट्स. जो थंब के प्रिंट हैं, जो थंब इसमें से अंगूठों के निशानों को उंगलियों के अन्य निशानों से आप अलग अलग कर सकते हो. कहीं कहीं तो कर सकते हैं लेकिन कहीं कहीं नहीं कर पा रहे हैं. जैसे कि ये अंगूठे का निशान है, ये अंगूठे का निशान है, ये अंगूठे का निशान है, ठीक है ना, और ये बाकी सब फिंगर्स के निशान हैं. तो वो कहता है इन द सेम वे, ठीक इसी प्रकार, यूजिंग इंक और वाटर कलर, आप इंक का या वाटर कलर का इस्तेमाल कर सकते हैं. मेक पिक्चर्स ऑफ एनिमल्स, और उससे आप अलग अलग जानवरों की पिक्चर बना सकते हैं. जैसे इन्होंने देखो सिर्फ अपने अंगूठों के निशान से, उंगलियों के निशान से ही ये अलग अलग एनिमल्स बनाए हैं. बस थोड़ा सा कलाकारी इन्होंने की है. मेक पिक्चर्स यूजिंग देयर ओन इमेजिनेशन. आप पिक्चर बनाइए अपनी इमेजिनेशन. इमेजिनेशन मीन्स कल्पना, अपने आप सोचकर कोई भी आप पिक्चर बना लीजिए. डू नॉट कॉपी द वन शोन अबव. लेकिन हाँ, जो ऊपर बनाए गए हैं उनकी नकल आपको नहीं करनी है. कॉपी मीन्स उनकी नकल नहीं करनी है. यू कैन यूज द पिक्चर यू हैव मेड टू डेकोरेट योर स्कूल एंड होम. और जो आप इस तरह की पिक्चर्स बनाएंगे उससे आप अपने स्कूल को और अपने घर को सजा सकते हैं. लेट अस हैव सम फन. चलिए कुछ मस्ती करते हैं. इन योर नोटबुक, आपकी नोटबुक में ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ एन एनिमल दैट यू हैव सीन. कि जो भी आपने कोई जानवर देखा है उसको एक कागज पर बनाइए. मेक ग्रुप ऑफ 3 चिल्ड्रन ईच. और हर एक ग्रुप में तीन तीन बच्चों का ग्रुप बना लीजिए. ईच ग्रुप विल टेक अ वाइट पेपर. और हर एक जो ग्रुप है वो एक वाइट पेपर लेगा. इन ईच ग्रुप वन चाइल्ड विल ड्रॉ द फेस एंड नेक ऑफ द एनिमल एट द टॉप ऑफ द पेपर एंड हाइड इट बाय फोल्डिंग दिस पार्ट. अब हर एक ग्रुप में जो पहला बच्चा है वो फेस ड्रॉ करेगा कहां तक, और उसकी गर्दन ड्रॉ करेगा ऑफ द एनिमल एट द टॉप ऑफ द पेपर. वो पेपर की टॉप पर, पेपर की टॉप पर उसकी गर्दन और उसके फेस को ड्रॉ करेगा और उसके बाद उसे मोड़ देगा. जैसे कि आप यहां पर देख रहे हो ये इन्हें मोड़ दिया. द सेकेंड चाइल्ड, दूसरा बच्चा होगा ग्रुप का, वो ड्रॉ करेगा बॉडी, वो बीच की बॉडी ड्रॉ करेगा, ठीक है, और पेपर को फिर छुपा देगा फोल्ड करके. और जो तीसरा बच्चा है वो उसके पैर को ड्रॉ करेगा. और उसके बाद आप उस पूरे पेज को खोल के देखेंगे तो आपको कुछ अजीब सा ही जानवर दिखाई देगा. तो ये बड़ा मजा आएगा. देखिए, बताना नहीं है एक दूसरे को. तीन जनों का एक ग्रुप बनाना है और उसको एक कागज को तीन हिस्सों में फोल्ड कर देना है. एक बच्चा फेस बनाएगा और गर्दन, दूसरा बच्चा बॉडी और तीसरा बच्चे लेग को बनाएंगे, ठीक है. डज इट नॉट लुक लाइक अ फनी एनिमल. क्या यह एक मजाकिया जानवर की तरह नहीं लग रहा है.
उसका बताओ, मुंह तो उसका हाथी जैसा है, गर्दन उसकी और बॉडी जो है बर्ड जैसी, और पैर उसके कैमल जैसे, है ना। ऑल्सो लुक एट द पिक्चर्स मेड बाई योर फ्रेंड, और इसी प्रकार आप देखो कि बाकी जो आपके दोस्त हैं वो कैसी पिक्चर बनाते हैं। मजा आएगा ना, करके देखिएगा। अब वो कहता है, स्पेंड सम टाइम अंडर अ ट्री, ऑब्जर्व द एनिमल्स केयरफुली, नेम द एनिमल्स विच कैन बी सीन। कहता है कुछ समय जो है पेड़ के नीचे बिताइए, ठीक है ना, अंडर अ ट्री, पेड़ के नीचे बिताइए। ऑब्जर्व, ऑब्जर्व मतलब महसूस करिए, ये तो महसूस करिए नहीं होगा, ऑब्जर्व मतलब ध्यान करिए, गौर करिए कि कौन कौन से एनिमल्स आपको दिखाई देते हैं ध्यान से। नेम द एनिमल्स विच कैन बी सीन, जो तुम्हें दिखाई देते हैं उन जानवरों के नाम आप यहाँ पर लिखिए। ऑन द ब्रांचेस, ब्रांच में कौन कौन से आपको एनिमल्स दिखाई दे रहे हैं, उसमें कौन हो सकता है, आपका मंकी हो सकता है और बर्ड हो सकती है, कोई स्क्वायरल हो सकती है। ऑन द लीफ, पत्तियों पर क्या दिखाई देगा आपको, उसमें आपको एंट दिखाई दे सकती हैं, बटरफ्लाई दिखाई दे सकती हैं, या कोई और फ्लाई दिखाई दे सकती है। ऑन द ट्रंक, और ट्रंक बोलते हैं तने को, पेड़ के तने पे क्या क्या दिखाई दे सकता है आपको, एंट हो सकती है, है ना, कोई मंकी हो सकता है वहां पर भी, और कोई स्क्वायरल या कुछ भी और हो सकता है। ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड के मतलब उस पेड़ के आसपास, ग्राउंड पे कौन कौन हो सकता है उनके नाम लिखने हैं। अराउंड द ट्री, और पेड़ के चारों तरफ कौन कौन से एनिमल्स या बर्ड्स आपको दिखाई देंगे उनके नाम आपने यहाँ पर लिखने हैं। जब वो नाम आप यहाँ पर लिख देंगे तो कहते हैं, नाउ अरेंज दीज एनिमल्स इन द ऑर्डर ऑफ देयर साइज। अब आपने करना क्या है, जब आप नाम लिख दोगे तो आप उनके साइज के हिसाब से जो सबसे छोटा है उसे सबसे पहले लिखेंगे, उनको क्रम में लगाएंगे। दीज एनिमल इन द ऑर्डर, ऑर्डर मीन्स क्रम में लगाना है, ऑफ देयर साइज, उनकी साइज के हिसाब से उन्हें क्रम में लगाना है। स्मॉलेस्ट बिगिन द फर्स्ट, जो सबसे छोटा होगा जिसका साइज उसे सबसे पहले लिखेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले सबसे छोटे एनिमल को, उसके बाद उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, ऐसे चलते चले जाएंगे। तो टोटल मिला के 15 एनिमल्स के नाम या बर्ड्स या इंसेक्ट्स के नाम आपने यहाँ पर लिखने हैं, राइट। अब वो कहते हैं जिग्सॉ पजल, एक पजल मतलब पहेली है। इन अ जिग्सॉ पजल अ पिक्चर इज कट इन सच अ वे दैट वन हैज टू रियली थिंक हार्ड टू फिट द पिक्चर टूगेदर। जो जिग्सॉ पजल होती है या जिग्सॉ पजल होती है, उसमें क्या करते हैं हम, एक पूरी एक पिक्चर होती है जिसे हम अलग अलग टुकड़ों में काट लेते हैं और उन्हें फिर वापस जोड़ना हमें होता है, राइट। तो वो यही बता रहा है कि जिग्सॉ पजल में क्या होता है, एक पिक्चर होती है जिसे काट दिया जाता है सच अवे, इस तरीके से, दैट वन हैज टू रियली थिंक हार्ड, कि इस तरीके से कटा होता है कि किसी व्यक्ति को बहुत सोच समझ के उस पिक्चर को वापस जोड़ना होता है। अब वो कहता है, नाउ मेक अ जिग्सॉ पजल, चलिए एक जिग्सॉ पजल बनाते हैं यूजिंग अ पिक्चर ऑफ एनी एनिमल, किसी भी एक जानवर की पिक्चर बनाएंगे। पेस्ट द पिक्चर ऑन अ कार्डबोर्ड, और उस पिक्चर को बनाकर आप कार्डबोर्ड पे चिपका देंगे। नाउ कट द कार्डबोर्ड अलोंग द एजेस ऑफ द पिक्चर, और उसके बाद इस कार्डबोर्ड को आप छोटे छोटे टुकड़ों में काट दीजिए। कट द कार्डबोर्ड इंटू अनइक्वल पीसेस, और इस कार्डबोर्ड को आपने अनइक्वल, बराबर बराबर में नहीं काटना, उल्टे सीधे टेढ़े मेढ़े काटना है। गिव दीज पीसेस टू योर फ्रेंड्स, और इन पीसेस को अपने दोस्तों को दो। आस्क देम टू पुट दीज पीसेस टूगेदर एंड आइडेंटिफाई द एनिमल, और उसके बाद आपका दोस्त उनको मिलाए और आइडेंटिफाई मतलब पहचान करे उस जानवर की जिसकी पिक्चर आपने काट कर उसे पजल के तौर पे दी है। यानी कि आपको एक एनिमल की पिक्चर बनानी है, उसको कलर कर देना है, उसके बाद उसे कार्डबोर्ड के ऊपर चिपका देना है, राइट। और उसके बाद उसके अलग अलग तरीके से टुकड़े काटने हैं, और उसके बाद आपकी एक पजल रेडी हो जाएगी, राइट। करके देखिएगा, बड़ा मजा आएगा। तो ये था आपका एक चैप्टर पूनम्स डे आउट, जिसमें हमने अलग अलग जानवरों के बारे में, वो कहाँ रहते हैं, कैसे चलते हैं और उनके साइज कैसे हैं, इसके बारे में पढ़ा और जाना। मुझे लगता है ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, टेक केयर, गुड डे। आई होप यू एंजॉयड आवर वीडियो, थैंक्स फॉर बीइंग विद अस।